365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अनेक तीर्थ स्थलों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी को लेकर सरिया के राजदाह धाम के पुजारियों, साधु संत और जनता के द्वारा राजदाह धाम के मिट्टी और जल लिया गया और राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा गया। वहीं पुजारी अरुण पांडे ने कहा कि हम लोग पूर्व ही निर्णय लिए थे कि विधिवत रूप से एक अच्छे तिथि और मुहूर्त देख करके भूमि पूजन के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए राजदाह धाम से जल और मिट्टी भेजा जाएगा, जो सोमवार के दिन संपन्न किया ताकि क्षेत्र का और सभी का कल्याण हो। मिट्टी व जल संग्रह के कार्यक्रम में मंदिर के पुजारिन बसंती देवी, बाबूलाल पांडे, टिंकू साहू समेत दर्जनों श्रद्धालु शामिल थे। देखिए, ये राजदाह धाम का पूर्वोक्त ही हम लोग साधु और ब्राह्मण लोग ये निर्णय लिए हुए थे कि विधिवत पूजन करके अच्छी तिथि, अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन, ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अयोध्या में जल और मिट्टी भगवान श्री राम के चरणों में हम लोग भेजेंगे। उसके लिए तिथि भी हम लोगों ने तय किया, दिन को भी देखा और वो तिथि सप्तमी और दिन सोमवार, जो भगवान भोले भंडारी का ये पावन क्षेत्र में इस तिथि को बड़ा ही सर्वमान्य माना जाता है वेदों में, शास्त्रों में, पौराणों में, तो ये तिथि को तय करके आज के दिन हमारे पूर्वोक्त जो ब्राह्मण समाज और संत समाज की बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था और आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद वहाँ की मिट्टी, यहाँ का जल भगवान श्री राम के चरणों में अयोध्या हम लोग भेज रहे हैं। खबर 365 न्यूज के लिए सरिया से राज रवानी की रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।